जी कैसे? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ जनाब। डे इन माय लाइफ, इस वक्त क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले तो जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने न्यू सब्सक्राइब किया है, मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी और ये कहूँगी कि ज़रूर वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक भी करें, शेयर भी करें वीडियो को, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और जो लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर जाते हुए सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो इस वक्त आप लोगों को पता होगा जो पहले से मुझे देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। इस वक्त ऐसे है कि मैं और यासिर जो हैं वो यहाँ पर हैं और जर्मनी में, और उमर और उमर के बाबा जो हैं वो सऊदीया गए हुए, इंशाल्लाह अक्टूबर में वापस आ जाएंगे। तो इस वक्त शाम का वक्त था और मैं यासिर के साथ जा रही थी डॉयच कोर्स में, मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ जर्मन, तो उसकी क्लास लेने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि इस वक्त जो मेरी लाइफ में चल रहा है मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, मुझे एक नज़र आई थी, ये ग्रास कट करने वाली मशीन है। देखें, रोबोटिक है, इसको बस कह दो कि वो कोई भी इसको ऑपरेट नहीं करा था, इसको लगा के चले जाते हैं। और ये पूरे जिस तरह वैक्यूम भी होते हैं ना रोबोटिक, आप घर में लगा दें और वो खुद ही जो है वैक्यूम हो जाता है, आगे हर्डल आता है तो रुक जाते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं। तो मुझे वैक्यूम का तो पता था इससे पहले, ग्रास कट करने वाली मशीन का नहीं पता था। तो ये मैंने देखी तो मैंने जो है इसको कैप्चर कर लिया। आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, और आप लोगों को पता है, जिनको पता होगा कि ग्रास कट करने वाली मशीन काफ़ी हैवी ड्यूटी होती है, जिस तरह हम लोगों के नॉर्मल जो होती है, जिस तरह हमारे इधर है, हम लोग लॉन में ग्रास कट करते हैं, वो काफ़ी हैवी ड्यूटी होती है और उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो लेकिन ये देखें, ये छोटी सी थी और ये मज़े से कर रही थी खामोशी के साथ। और देखें, स्मार्ट टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी बात है, नई टेक्नोलॉजी और काफ़ी अच्छी चीज़ थी। यहाँ पर ये देखें, लोगों ने जो है वो किसी ने मुर्गियाँ जो हैं यहाँ पर रखी हुई थी, इसके देखें बॉर्डर बनाया हुआ है, और ये मज़े से जो हैं वो चहलकदमी कर रही थी। तो शाम का वक्त था, बड़ा मज़े का मौसम भी था। और ये देखें कि ये सनफ्लावर। तो अब जो है मैं यासिर के साथ वापस आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कुकिंग की, कोई वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा कि जो मैं आज बना रही हूं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो चलें फिर मेरे साथ आप किचन में चलें। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि ये जो है ये वाले मफिन ट्राई करती हूँ। तो इसके अंदर जो है वो ये कप्स भी थे 12, और इस तरह ये 12 मफिन बन जाएंगे। तो इसके अंदर से मुझे ये दो पैकेट्स मिले, एक ये पैकेट है जो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया सारा, और ये इसके अंदर वो है चॉकलेट चिप्स। और अब मैं ये देख रही हूँ कि इसको करना क्या है। तो इसके अंदर मुझे 100 ml मिल्क डालना है, और एक अंडा डालना है, और 125 ml जो है वो ऑयल डालना है। और यहाँ पर जो है वो ये मैंने रख दिया है इसके अंदर ये 12 लगा के, और ओवन को जो है वो प्री हीट कर दिया है 175 पे। तो ये हो रहा है। इधर जो है मैं पास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने जो है इसके अंदर नमक डाल के और ऑयल डाल के रखा है ये वाला पास्ता। तो मैं सोचा कि मुझे पास्ता पसंद है, तो अपने लिए फटोफट पास्ता बना लूँ और साथ मफिन बना लूँ। तो चले आप भी मेरे साथ साथ। बस मेजरिंग की कोई नहीं थी चीज़, तो मैंने ये यहाँ से का फीडर ले लिया। देखें, ये 100 ml जो है मुझे इसमें मिल्क डालना है, और इसके अंदर 125 ml जो है ऑयल डालना है। अंडा मैं डाल चुकी हूँ, तो फिर चोको चिप्स डालूंगी और इसको जो है वो उन कप्स में इसको मिक्सर से करूँगी, एक बीटर से बीट करूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्लेंड करना शुरू करके। इनकी एक टिप ये है कि इसमें ना आप हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे चीज़ें यूज़ करना, जिस तरह अंडा भी जो है वो फ्रिज का नहीं, जो बाहर हो या तो पहले से निकाल के रख लें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और मिल्क भी जो आप ऐड करें, हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए बेकिंग के लिए, तो फिर वो जो है वो सही बनती है। तो चलिए इसको जो है वो ब्लेंड करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मुझे थोड़ा सा बड़ा गहरा बर्तन लेना चाहिए था, जो कि मैं मिस्टेक कर चुकी हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, एडवेंचर हो गया ये, तो करते रहना चाहिए।
तो ये जो है वो मिक्स तो हो चुका है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि कोई डिजास्टर नहीं हुआ आसपास। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ऑल सेट है। अब मुझे ये मिक्सचर जो है ये देखें, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में, तो अब जो है मुझे एक इस तरह से करके कामयाबी के साथ इसको ऐसे उठा के इसके अंदर डालना है। तो इस तरह जो है वो एक एक टेबलस्पून कह लो कि आपने इन सब में फिल करनी है। चले भाई निकल भी जाएं आप इसके अंदर से। हाँ मुझे दो स्पून यूज़ करनी चाहिए और एक स्पून को ऐसे करके। जी ये हमने जो है इसके अंदर सारा डाल दिया। एक हमसे थोड़ा सा डिज़ास्टर हो गया है ये वाला, चलें कोई बात नहीं, हम इसको जो है वो उठा लेंगे साइड से। ठीक है तो अब इनको जो है मैं तरतीब से थ्री थ्री ऐसे करके जो है वो लाइन लगा रही हूँ। तो अब मुझे जो है वो थोड़ा सा इनको स्पेस बीच में रखनी है, तो अब इसको जो है वो हम ओवन में रखते हैं। मैं इसको ये साफ़ कर लूँ। अच्छा अब इसके अंदर जो है वो ये चॉकलेट चिप्स थोड़े से हमने छोड़े थे, वो हमने इनके अंदर थोड़े थोड़े से स्प्रिंकल करने हैं। और फिर इस हमने इसको ओवन में रखना है। तो जनाब किसी किसी पे अनायत थोड़ी ज़्यादा हो गई है और किसी पे थोड़ी कम हुई है, चलो कोई नहीं चलता है। मैंने ही खाने ना। तो चले अब हम इसको जो है वो ये प्री हीट हो चुका है ओवन, अब इसमें हम रख देते हैं। ओके ये ख़राब हो गया हमारा, थोड़ा बाहर निकल आया था, लेकिन चले अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए जो है वो बेक कर लेंगे। और ये हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो गया, इसको मुझे अब निकालना है। इसको निकाल लेती हूँ। चिकन जो है वो हो गई है डिफ्रीज, थोड़ी बहुत मुझे थोड़ी सी चाहिए इसके अंदर। पास्ता जो है वो हो गया है रेडी, और यहाँ पे जो है वो वेजेस इनको मैं कट कर लूँगी जल्दी से। चिली सॉस, केचप और सोया सॉस, और आई थिंक जो है मुझे विनेगर चाहिए होगा। विनेगर कहाँ है, विनेगर ओ यस। जल्दी से इनको कट करते हैं और पास्ता जो है वो रेडी करते हैं, क्योंकि ये जो जनाब साहब हैं कंबल मुंह में लेके बैठे हुए हैं। हाँ जी सही तंग पड़े हुए हैं, सोना चाह रहे हैं, इनका थोड़ा सा नोज़ी जो है वो इशू कर रहा है, तो इस वजह से वो सही से सो नहीं पा रहे। तो मैं जल्दी से स्पीड लगाती हूँ दी ओवन। ये देखें कि थोड़े थोड़े फूलने शुरू हो गए हैं ये, और हमने 15 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है, तो देखते जाते हैं इसको। लेकिन टाइमर पे आप कभी ना तवक्कल ना कीजिएगा, क्योंकि कभी जल्दी भी हो जाता है और चीज़ जल भी सकती है, तो चेक करते रहें। लेकिन बहुत ज़्यादा खोलते नहीं हैं, जब थोड़े देर बाद हम जो हैं वो इसको खोलेंगे, तो कह लो 10 मिनट बाद, तो फिर इसको चेक करते रहेंगे। इस वक्त जो है वो सूरत हाल कुछ यूँ है हमारे मफिन्स की, तो हम इनको निकाल के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये होगी अंदर तक कि नहीं। ऐसे करते हैं कि इसके अंदर जो है वो ये डाल के देखते हैं कि इसके अंदर वो आता है, नहीं क्लियर है ये तो। आई थिंक चॉकलेट चिप कुकी का आया है, थोड़ा सा है, 2 मिनट्स हो। अच्छा यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑयल लिया 2 टेबलस्पून, इसके अंदर जो है वो एक डाली टीस्पून, क्योंकि देखें अपने हिसाब से देखना, क्योंकि मेरे पास पास्ता इतना है, तो मैंने फिर एक टीस्पून डाली। और ये जो है वो इसके बाद हमने अब इसमें ये देखें हमने काट के रख ली हैं चिकन, शिमला मिर्च हैं, ग्रीन येलो रेड और प्याज हैं। आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स हो तो सारी डाल सकते हैं। तो खैर मैं अब चिकन डालूंगी। चिकन जो है वो डाला हमने, और चिकन डालने के बाद आपने इसको जो है वो पकाना है जब तक इसका जो है। अच्छा इसके अंदर चिकन जो है वो उसको किया कि चिकन जो है वो अपना कलर जो है वो चेंज कर ले, वाइट हो जाएगी ऐसा ऐसा। इसको तब तक थोड़ी सा जो है वो भूनते रहें, और अदरक के अंदर चिकन जो है वो अच्छी तरह हो रही है, और इसके अंदर एक छोटा सा शिमला मिर्च भी आ गई, चलो कोई बात नहीं। और इसके अंदर जो है वो अब हमें डालने हैं स्पाइसेस, जो ये देखें इस टाइम पे हमने इसके अंदर डाल दी है नमक, काली मिर्च, क्या नाम है इसका, रेड चिली पाउडर, अगर आपको अच्छा लगता है स्पाइसी थोड़ा तो मैंने वो डाला है, और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला है ताकि देखें चिकन को अच्छा सा एक कलर मिल जाएगा।
और इसके बाद जो है हम इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डाल देंगे। ये अब इसके अंदर जो है वो टोमेटो पेस्ट डल चुकी है, ठीक है, तकरीबन आधा कप डाली है मैंने। और अब मैं इसके अंदर जो है वो ये वेजिटेबल्स डालती हूँ। थोड़ी सी सब्जियों को हल्का सा जो है वो नरम होने देंगे और साथ ही हम जो है इसके अंदर डाल देंगे, मैं डालूंगी केचप, सोया सॉस, वर्चेस्टर सॉस और चिली सॉस। तो आप और वो भी डाल सकती है बारबेक्यू सॉस, जो भी सॉस आपके पास है वो डाल सकती है। विनेगर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि टमाटो पेस्ट भी डाली है तो थोड़ा खट्टा ना हो जाए, इसलिए मैं ये नहीं अवॉइड कर रही हूँ, बाकी मैं ये डालती हूँ। थोड़ी सी हमने ये सारी सॉसेस डाल दी, चिली सॉस अपने हिसाब से डाल लें, मैंने थोड़ी सी डाली है। केचप मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाली है, ये तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून डाली है और ये मैंने थोड़ी सी तकरीबन 1 टीस्पून डाली है वर्चेस्टर सॉस। तो अब इस वक्त भूख भी खूब लगी हुई है तो सही जो है वो मुँह में पानी आ रहा है। और यहाँ पर जो है आप देख लें कि मेरे जो हैं वो मफिन्स भी जो हैं वो रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने साथ रखा है, ये जिस तरह से अगर पार्टी करें तो पूरी तरह एंजॉय करें ना जी। तो ये जो है वो जिस तरह होता है ना लेमन स्क्वैश होता है, इस तरह डिफरेंट वो होता है उनका लिक्विड होता है, तो ये कोला का वो है। मैं इसको जो है ठंडे पानी में डाला, इसको 3 to 4 टेबल स्पून जैसे हम लेमन स्क्वैश बनाते हैं या कोई और हम शरबत बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, तो इस तरह से ये कोला का फ्लेवर है। तो ये उसमें ये जो है वो 2 चीज़ें रह गई, एक ओरिगैनो डालूंगी मैं इसके अंदर और एक जो है वो रोजमेरिन हर्ब्स है मेरे पास, और भी कोई हर्ब्स आपके पास हों तो आप डाल सकते हैं। तो ये मैं जो हूँ वो ओरिगैनो डाल रही हूँ, थोड़ा अंदाजे से ही डाल रही हूँ, जितना भी आपको अच्छा लगता है। और ये जो है वो इधर से मेरे ख्याल में इसको इधर से डालती हूँ, तो इस स्टेज पे जो है वो ये देखें ये इस तरह से है। अब हम इसके अंदर अपनी ये डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्सअप करके इसको ढक देते हैं। अच्छा से जो है वो मिक्स किया और अब इसको थोड़ा सा देर जो है वो ढक के रख दिया, मैंने आग बंद कर दी है। और अब जो मैंने इसको क्योंकि ये थोड़े इलेक्ट्रिक ओवन है थोड़ा गर्म ही होता है तो हम इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप देख सकते हैं ये है मेरा पास्ता, यमी यमी, और ये है मफिन्स और ये है मेरी कोला। तो मैं जो हूँ वो एंजॉय करती हूँ अपना, कभी कभी ऐसी पार्टी कर लेनी चाहिए अपने लिए और तो कहीं है नहीं, तो आज हम ख़ुद को पार्टी दे रहे हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, तो चले ट्राई करते हैं। स्पाइसी, थोड़ी सी खटास, मज़े का फ्लेवर, डिफरेंट सॉसेस का, बहुत ही मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह। ये मफिन जो हैं वो चेक करें कितने नरम कितने मज़े के अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मेहमान अल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।